वीडियो। तो भाई साहब, हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम पढ़ रहे थे, जहां पर हमने दो प्रकार के बारे में हमने डिस्कस किया था। पहले जो प्रकार था या फिर पहला जो टाइप था वो था संयोजन अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया पानी के साथ करवाई थी, तो सॉरी बिना बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया हमने पानी के साथ करवाई थी तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ था। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यह था संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन का अर्थ होता है तोड़ना। जैसे वियोजन में एक अभिकारक दो या तीन उत्पाद में विघटित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें हम फेरिक सल्फेट लिया था, उसमें उष्मा दी थी तो फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 गैस सल्फेट गैस बाहर निकली थी। और एग्जाम्पल के लिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब उष्मा दी तो वो बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हुआ था। तो ये थी वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए अभी हम जो नेक्स्ट अभिक्रिया का प्रकार है वो पढ़ते हैं, और नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है एक बार हम देख लेते हैं हेडिंग में। तो भाई साहब यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है, तो चलिए अगली जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का अर्थ है अपनी जो पोजिशन है वो चेंज करना, यानी पहले यहाँ पर था तो अभी यहाँ पर आ जाएगा, यानी पोजीशन को चेंज करना ही विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसकी जो डेफिनेशन है सबसे पहले मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कहाँ पर दे रखी है, शायद यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नहीं आ रही। देखिए भाई साहब, पहले मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर फेरस है और कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट है जो यहाँ पर है ना, फेरस आ जाएगा और फेरस की जगह कॉपर आ जाएगा, यानी विस्थापन हुआ। यहाँ पर देखिएगा आप, जैसे यहाँ पर Fe और यहाँ पर CuSO4 है, यानी फेरस और कॉपर सल्फेट, तो फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ? विस्थापन हुआ। Cu की जगह Fe आ गया और Fe की जगह क्या आ गया? Cu आ गया। तो यहाँ पर अभिक्रिया क्या होगी, इसको क्या करेंगे? इस अभिक्रिया में आयरन के तत्व कॉपर तत्व को कॉपर सल्फेट में विलय कर विस्थापित कर या हटा देता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी पोजिशन को चेंज करना ही क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। जहाँ पर देखिएगा जिंक कैन और कॉपर सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर साइड में हट जाएगा। यहाँ पर देखिए लेड है और लेड के साथ में कॉपर क्लोराइड है, तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और जो है कॉपर है वो अलग हो जाएगा। तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। अभी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल बार चेंज करना, ठीक है, डबल बार। तो ऐसे अभिक्रिया इसमें क्या होता है, देखिएगा सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और एक है बेरियम सल्फेट, तो इसमें क्या है, Na2 की जगह Ba आ जाएगा और Ba की जगह क्या आ जाएगा, Na2, यानी डबल क्या होगा, डबल। प्यारे दोस्तों, ठीक है, मैंने समझा दिया। इसमें ना एक तत्व ही क्या होता है, विस्थापित होता है, इसमें ना डबल तत्व विस्थापित होते हैं। जैसे में Fe की जगह Cu आ गया, Cu की जगह में Fe आ गया। इसमें देखिएगा Na2SO4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ba इसकी जगह आ जाएगा और Ba की जगह क्या आ जाएगा, Na2 आ जाएगा। सिंपल सी जो रिएक्शन ही, तो इसमें क्या होता है, इसमें Ba+2 था SO4-2- की अभिक्रिया, Ba+SO4 के अवसर के निर्माण ऐसे अभी के उत्पाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण जो विलयन में ही रहता है, वह अभी के जिसमें अभिकारक आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है। अभिकारों के बीच में क्या होता है, आदान और प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह सब सिंपल सी थी, इसमें कुछ नहीं था, इसमें डबल होता है। एक उपचयन और अपचयन, यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें यही होता है। जैसे इसमें देखिएगा Cu+O2, यहाँ पर क्या जुड़ा, ऑक्सीजन का जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ गई और इसमें देखिए हाइड्रोजन जुड़ी और ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख ऑक्सीजन जुड़ी और इसमें क्या जुड़ी, यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई, इसमें यही है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा कॉपर ऑक्साइड है, उसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ में करेंगे तो भाई साहब जो ऑक्सीजन है वो हट जाएगा, पानी के साथ में चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना तो है उपचयन, और
ऑक्सीजन का हटना है अपचयन, सिंपल सी रिएक्शन ही मैंने बता दी है शॉर्ट तरीके में, ठीक है। और अब अगली जो हेडिंग है वो है संक्षारण। संक्षारण को हम कह सकते हैं भाई साहब किसी जो चीज़ होती है उस पर जंग लगना ही क्या है संक्षारण है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भाई साहब लोहे की चीज़ें होती हैं वहाँ पर थोड़ी सी अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, यानी ऑक्सीजन जो है उसके संपर्क में आ जाए तो उस पर जंग लगने लगती है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि लोहे पर पानी छिड़कने से उस पर जंग आती हैं, तो भाई साहब पानी नहीं, ऑक्सीजन के वो उसके ऑक्सीजन के साथ में आते ही वो रिएक्शन कर लेती हैं और उस पर जंग लग जाती हैं। और ऐसा ही चांदी के साथ भी होता है, लेड के भी साथ भी होता है, चांदी होती है वो काली पड़ जाती है, ठीक है। प्यारे दोस्तों आई होप आपको संक्षारण के बारे में पता चल गया होगा। चलिए कुछ लाइन पढ़ लेते हैं। वैसे लाइन पढ़ने की चीज़ें तीन ही जो मैंने बताया वही है, और संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे की चीज़ें बहुत ही क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, जो भाई सब जो जंग लगना है वो बहुत क्या है गंभीर समस्या है। इसके बारे में हम अध्याय तीन में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है शायद ये लास्ट हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है विकृत गंधिका। विकृत गंधिका का मतलब सही सी बात बता दूं मैं आपको, विकृत गंधिका क्या है। विकृत गंधिका का मतलब है कोई जैसे आपने चिप्स वगैरह आपने खाया होगा, जो चिप्स के पैकेट होते हैं तो वो भाई साहब काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें हवा भरी होती है, तो हवा की वजह से वो बेसिकली उसमें हवा नहीं होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो काफ़ी ठंडी गैस होती हैं, और नाइट्रोजन गैस से जो अंदर का मटेरियल वगैरह होता है जैसे कि चिप्स के अंदर जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन होती है, जिससे कि वो ख़राब नहीं होती है। तो विकृत गंधिका का सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि चीज़ का ख़राब नहीं होना। जैसे कि मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, मैंने समझा दिया है विकृत गंधिका क्या है। यहाँ पर देखिए मैंने जो बताया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन को हटा देते हैं क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो लास्ट जो हेडिंग थी संक्षारण वो बताई थी कि जैसे ही हम ऑक्सीजन के संपर्क में कोई चीज़ आती है तो वो ख़राब हो जाती है, और वैसे ही विकृत गंधिका ही है। ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा कोई खाने की चीज़ तो वो ख़राब हो जाएगा, तो उसको हम बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है वो दूसरी गैसों से भाई साहब एकदम सक्रिय नहीं होती हैं और जल्दी से वो रिएक्ट नहीं कर पाती हैं, और खाने की चीज़ें होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। तो भाई साहब जो फर्स्ट जो चैप्टर था हमने वो पूरा पढ़ लिया है। इस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा था भाई साहब, इस चैप्टर में जो चैप्टर का नाम था भाई साहब चैप्टर का नाम ही भूल गया मैं, चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यही था। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, चार प्रकार थे। पहला था संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा था विस्थापन, और चौथा था द्व्युविस्थापन, और एक पाँचवा था रेडॉक्स। ये पाँच चीज़ें ही थी, और लास्ट में दो टॉपिक और थे, संक्षारण और विकृत गंधिका। सारे टॉपिक मैंने एकदम आपको क्लियरली और भाई साहब एकदम अच्छे से समझाए हैं। इनमें से जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपको कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है, और दो तीन पेज का सवाल है इसमें से आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो चार प्रकार है वो आपको बेसिकली याद करना है। और जो रेडॉक्स अभिक्रिया थी Cu+H2 मैंने बताया था, जिसमें H2 होता है उसमें ना H2O बन जाता है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना है क्या है अपचयन, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है अपचयन, और हाइड्रोजन का जुड़ना है अपचयन और उपचयन। भाई साहब इसमें काफ़ी है, इसमें नाम अजीब दे रखे हैं, बेसिकली ये होते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दो चीज़ें होती है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। मैंने बता दिया इसमें विकृत गंधिका क्या है, विकृत गंधिका वह चीज़ है जिसमें कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है नाइट्रोजन गैस यूज होती है। और एक थी संक्षारण, संक्षारण का मतलब है किसी चीज़ में जंग लगना, जैसे कि जो लोहे की चीज़ें होती हैं वो वायु के संपर्क में यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो रिएक्ट करने लगती हैं, और जिस वजह से उनमें जो है जंग लगने लगती हैं। और जो लोहे की चीज़ें होती है उस पर भाई साहब भूरे कलर की एक परत आ जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। और इसी वजह से भाई साहब जो कार के बॉडी होती है, हवाई की बॉडी होती है, वो इससे भाई साहब काफ़ी डैमेज होती है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसा कि हमने ये पढ़ा था। और लास्ट हेडिंग थी विकृत गंधिका, जो कि मैंने बताया था कि खाने पीने की चीज़ें हैं और नाइट्रोजन गैस का यूज़ होता है,
वही इसमें है। तो ये पहला वाला चैप्टर है, मैंने दो वीडियो में आपको पूरा पढ़ा दिया है। इनमें से मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आप सबको करना है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। आपको पासबुक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आने वाला है। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रेडॉक्स अभिक्रिया, संसारण और विकृत गंधिका। अगर बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन से बनेगा, छोटा क्वेश्चन बनेगा तो संसारण या फिर विकृत गंधिका से बनेगा। तो पहला चैप्टर कंप्लीट होता है और दूसरा चैप्टर कौन सा है हमारा आज देख लेते हैं, कल दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है अम्ल सारक एवं लवण, ठीक है। एसिड बेस और लवण को इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। जो तीन चीज़ें हैं नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ने वाले हैं, अम्ल सारक और लवण। काफ़ी मज़ेदार सिंपल ये चैप्टर होने वाला है, तो ये चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, काफ़ी सिंपल सा चैप्टर था, एकदम बच्चों वाला था, इसमें कुछ समझने जैसा चीज़ थी नहीं, ठीक है। दूसरा चैप्टर ये समझने जैसा है इसमें, क्योंकि अम्ल सारक की अवधारणाएँ वगैरह होगी, इसमें सूचक वगैरह होगा, सब कुछ होगा, और साथ में ही मैं आपको चीज़ें भी बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।